नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आप तमाम लोगों को 78वें स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभेच्छा। हम ये कामना करते हैं कि तिरंगा आप सिर्फ हाथ में ना पकड़ें बल्कि अपने दिल में भी संजोए, क्योंकि उसका हर एक रंग और चक्र भी सिखाता है। तो चलिए, देश भर में स्वाधीनता दिवस की धूम आज देखने को मिल रही है। आज देश 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। विकसित भारत थीम पर केंद्रित है आज का समारोह। राजकीय संस्थानों में फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में सरकारी इमारतें इस समय सराबोर हैं, नहाई हुई हैं। अंग्रेजी हुकूमत से निजात दिलाने का आज का दिन बेहद खास है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस पर समारोह का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज देश 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। देश भर में आजादी से जुड़े कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन है। 15 अगस्त 1947 का दिन याद कीजिए, जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत देश को, मां भारती को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी। इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह विकसित भारत थीम पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है विकसित भारत। ये थीम भारत को एक प्रगतिशील, समावेशी और सशक्त राष्ट्र के रूप में बदलने के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक पूरी तरह से विकसित होना है। न्यूज इंडिया भी आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई देता है। तो आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि तिरंगा हाथों में नहीं, दिल में संजोना है। स्वाधीनता दिवस की देश भर में धूम देखने को मिल रही है। लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11वीं बार ध्वजारोहण करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। आज स्वाधीनता दिवस की देश भर में धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। स्वाधीनता दिवस की देश भर में आज धूम है। आपकी जिस सिमत नजर जाएगी, तिरंगे की रोशनी, देश के प्रति जज्बा, चले सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अजस्त्र पीयूष शुक्ला हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? आज का दिन हर लिहाज से बेहद खास है। झंडा सिर्फ हाथ में नहीं बल्कि दिल में भी संजोना है। बिल्कुल, झंडा सिर्फ हाथ में ही नहीं दिल में सजोना है। और आज देश जो है अपना 78वां
स्वाधीनता दिवस मना रहा है। निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है देश के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले पर पहुंचकर उसकी प्राचीर से ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। मुझे याद है 2014 जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले पहुंचे थे और उन्होंने 15 अगस्त के इस मौके पर ध्वजारोहण किया था और 64 मिनट के अपने संबोधन में मेक इन इंडिया की बात कही थी। और आज ये पूरी की पूरी स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है उस थीम को विकसित भारत की थीम पर डेवलप किया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक मेक इन इंडिया से लेकर विकसित भारत तक का जो सफर है, इस पूरे सफर की तमाम झलकियां आज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी और उनके संबोधन में भी ये तमाम झलकियां साफ नजर आएंगी।